सेविका सुरभि वर्मा की ओर से फॉरेस्ट रिजॉर्ट में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरभि वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु नवयोगेंद्र महाराज जी की छत्रछाया में होली का पर्व मनाया है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ होली का पर्व फूलों की होली खेलकर मनाया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर वृंदावन जैसी होली का माहौल बना हुआ है। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान सबके जीवन में खुशियों के रंग भरे और काम में वृद्धि करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज यहाँ पर हम फॉरेस्ट रिसॉर्ट में सब इकट्ठे हुए हैं होली उत्सव मनाने के लिए, जो कि बहुत हम धूमधाम से ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पे गुरु जी स्वामी जगत गुरु नवयुगेंद्र महाराज इस्कॉन मेरे गुरु जी हैं, मेरे पिताजी हैं, उनके उपलक्ष में उनके छत्रछाया से हम यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं होली का। हमने अभी बहुत सारे फूलों से होली खेली है, रंगों से खेली है, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे 200-300 लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें से हमने अभी ठाकुर जी की लीलाएं भी करवानी हैं, अब हमने राधा रानी भी आएंगे, सब आएंगे। हमने यहाँ पे बहुत ही खुली होली खेली है, जो कि लोग बहुत आनंद कर रहे हैं। लगता है यहाँ ही वृंदावन बन गया है और सब यहाँ वृंदावन की जैसी फीलिंग ले रहे हैं। सब भक्त मस्ती से नाच रहे थे, गा रहे थे। हमने बहुत अच्छी होली मनाई है और सब भी अमृतसर वासियों को, गुरु की नगरी को, मैं सबको होली उत्सव की बधाई देती हूँ।